हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिफाई कैट। आज हम पजल ऑफ द डे करेंगे, एक और पजल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूँगा एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आप हमारे साथ देखिए इस वीडियो में कि हमने कैसे सॉल्व किया है। देख, ये एक क्वेश्चन है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ पहले। कुकी, कुक्कू, कुक्कड़, कोकी एंड कुक आर फाइव हेंस। इनिशियली दे हैड 1, 2, 3, 4, 5 eggs, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। दे लेड 1, 2, 3, 4, 5 eggs एंड फाइनली हैड 4, 5, 6, 7, 8 eggs इन द एंड। तो कितना मजा आ रहा है रीड करने में क्वेश्चन दोस्तों। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैम इज गिवन। तो इतने एग्स इनके पास इनिशियली थे, इतने ले किए, ले किए मतलब इतने एग्स दिए, प्रोड्यूस किए, और इतने फाइनल एग्स उनके एंड में उनके पास हैं, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब इनिशियली कुकी हैड 2 eggs एंड एंडेड अप विद 7 eggs एट द एंड, ठीक है। कुकू लेड 3 eggs एंड डिड नॉट एंड अप विद द 8 eggs, ठीक है। कुक डिड नॉट ले 1 egg और 2 eggs। कुकी एंडेड विद द नंबर ऑफ एग्स कुकर स्टार्टेड विद। तो ये 4 क्लूज हैं। अब इसके बेसिस पे एक बार अपन क्वेश्चंस को स्किम कर लेते हैं कि क्या 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 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ताकि मुझे समझ में आएगा कि अब मेरे को अरेंजमेंट कैसा बनाना है। तो फटाफट मैंने क्वेश्चन स्किम करे, ये 5 क्वेश्चन है। हाउ मेनी एग्स डिड द हैंड दैट स्टार्टेड विद 3 eggs ले। तो जिसके पास 3 eggs हैं, ले किए हैं, वो कितने हैंड से, कितने एग्स से स्टार्ट किए। हाउ मेनी एग्स डिड द हैंड दैट एंडेड विद 6 eggs ले, ठीक है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द हैंड दैट लेड 1 egg। द हैंड दैट एंडेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स स्टार्टेड विद, कितने नंबर ऑफ एग्स के साथ स्टार्ट किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एग्स विद कुकी एट द स्टार्ट टू नंबर ऑफ एग्स लेड बाय कुकी। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि किसने कब ले किए एग्स, या कितने इस हैंड ने इतने एग्स ले किए, तो उसके एंड में उसने कितने एग्स ले किए, या फिर इनिशियली उसके पास इतने एग्स थे तो उसने कितने ले किए। तो इसका मतलब मुझे समझ में आएगा कि देयर आर 3 थिंग्स जो मेरे को अरेंजमेंट में सॉल्व करनी है। वो क्या सॉल्व करनी है कि कितने एग्स उनके पास स्टार्टिंग में थे, कितने उन्होंने ले किए, और कितने टोटल उनके पास एग्स हैं। अब मेरे को एकदम दिमाग में एकदम सॉर्टेड है कि मुझे क्या अरेंजमेंट बनाना है। तो अब अपन एक बार फिर से क्लूज पे आते हैं और इसको अपन एक एक करके अरेंजमेंट बनाएंगे इसका, और अभी देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में अप्रोच कैसे बनानी है चीज़ों को लेकर। अगर अप्रोच सही रहेगी तो हमेशा चीज़ें सही सेट होगी। तो अब देखिए, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा या सिंपल टेबल बनाऊंगा, है ना। तो मेरे को क्या करना है, यहां पे हैंड्स के मैं नाम लिख देता हूं। अब क्या करना है, एक एक कॉलम क्या बनानी है, इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ एग्स जो इनके पास हैं। एक कॉलम क्या बनेगा, एग्स लेड, कितने एग्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और एक कॉलम क्या बनेगा दोस्तों, टोटल एग्स इनके पास हैं। अब अपन क्लूज उठाते हैं और इनको फिल करते रहते हैं, इसको अपन को पूरा फिल करना है। अब पहला है, इनिशियली कुकी कोकी हैड 2 eggs, कोकी हैड 2 eggs, ठीक है, एंड एंडेड अप विद 7 eggs। तो टोटल किसके पास 7 है, तो उसने कितने एग्स को बर्थ किया, अभी कितने लेट किए, दैट इज 5। दो पहले थे, 5 लेट किए और 7 टोटल एग्स हो गए। ना कुक्कू है, कुक्कू लेड 3 eggs, कुक्कू कुक्कू लेड 3 eggs, ठीक है, एंड डिड नॉट एंड अप विद 8 eggs। मतलब 8 यहाँ पे, मैं यहाँ जो नहीं आएगा मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 8 यहाँ तो नहीं आएगा दोस्तों। कुक डिड नॉट ले 1 or 1 egg or 2 eggs। कुक 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 के पास क्या, कुक डिड नॉट ले 1 or 2 eggs। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 or 2 नहीं आएगा। तो 1 or 2 किधर आएगा दोस्तों, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इधर तो आ नहीं सकता। अब देखो, इधर 3 आ गया, 5 आ गया, 1 और 2 इधर आ नहीं सकता, तो इधर क्या बचा, 4 बचा दोस्तों। कितना सिंपल है, 4 बचा। अच्छा, ऐसे ही 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है अभी के हिसाब से। तो देखते हैं क्या है कि कुकी एंडेड विद द नंबर ऑफ एग्स कुकर स्टार्टेड विद, है ना। कुकी एंडेड विद द नंबर ऑफ एग्स कुकर स्टार्टेड विद। अब देखो, स्टार्टिंग में 5 से ज्यादा एग्स नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। इसका मतलब कुकी का नंबर जो एंड हुआ होगा, जो फाइनल एग्स होंगे, उसके 5 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब दो ही पॉसिबिलिटी है 5 से ज्यादा, तो या तो या 4 होगा या 5 होगा, ठीक है दोस्तों, 4 होगा या 5 होगा, ये अपने पास अभी यहाँ पे आ गया इतना। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है 4 या 5। तो अभी मुझे इतना पता चल 4 या 5, तो इसका नंबर ये यहाँ पे भी 4 या 5, क्योंकि कुक्कड़ जितने से स्टार्ट हुआ है कुकी, उतने से ही एंड हुई है दोस्तों। तो ये भी 4 या 5, ये भी 4 या 5। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 यहाँ नहीं आ सकता, ये क्लियर है, 8 यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 4 या 5 आ सकता है। अच्छा,
अब देखिए, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अगर मैं 5 भी लेता हूं और मैक्सिमम 2 भी लेता हूं, तो भी यहां पे 7 आ सकता है, 7 यहां पे आ गया, तो यहां 7 भी नहीं, ये तो नहीं हो सकता कॉम्बिनेशन। 4 प्लस 1 5, 5 आ सकता है, तो यहां पे 8 यहां पे भी नहीं आ सकता, ये तो श्योर है ना, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम यहां का ले रहा हूं, यहां का भी मैक्सिमम ले रहा हूं, तो भी 7 बन रहा है, 8 तो यहां पे भी नहीं आ सकता, यहां 7 ऑलरेडी है, तो 8 का है, 8 दोस्तों यहां है, कितना सिंपल है। अब 8 यहां है तो इसका मतलब 4 यहाँ होगा, इनिशियल एक्स कुक के पास 4 होने चाहिए, 4 उसने लेट किए तभी 8 सम बनेगा उसका, 4 प्लस 4, तो इसका मतलब 4 यहाँ नहीं होगा, तो कुकर्स के पास कितने एक्स थे, 5 थे इनिशियली, तो इसका मतलब कुकी ने भी 5 एग्स दिए, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए 5 एग्स दिए, अब अपने पास कितने नंबर बचे हैं दोस्तों, इसमें अपन अपने कितने हैं, 5 भर गया, 2 भर गया, 4 भर गया, अब बचा है 1 और 3, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पे 5, यहाँ पे बनना चाहिए 5, यहाँ पे बनना चाहिए 5 सम बनना चाहिए, और यहाँ पे 1 या 2 है, अगर मैं 1 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, और यहाँ पे 1 या 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने क्लियर नहीं किया, 1 या 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ तो 1 या 2 आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो ये 1 या 2, तो भी हमारा 5 नंबर नहीं बनेगा, 5 टोटल एग्स उसके पास नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ अगर 3 है तो यहाँ कितना होगा 2, तब जाके 3 प्लस 2 5, तो यहाँ होगा 2, और यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1, तो 5 प्लस 1 यहाँ होगा 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, कौन सा अभी नंबर है जो कि मिसिंग है, दैट इज 4, तो यहाँ आएगा 4, तो यहाँ आएगा 1, तो देखिए कितना ईजी था इसको सेल्फ सॉल्व करना, बस एक बार हमने क्लूज को पकड़ा, क्लूज को प्रायोरिटी में सेट किया और उसको हम सॉल्व करते गए, करते गए, करते गए, और एलिमिनेशन करते गए, ये यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकता, तो कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो हमने पूरा मैट्रिक्स बना लिया, और हमने एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अब तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सारे क्वेश्चन सही जवाब दे दूंगा। अब अपन इसको, अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये हमने था जो हमने सोल्यूशन निकाला, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हाउ मेनी एग्स डिड द हैन दैट स्टार्टेड विद 3 एग्स, दैट स्टार्टेड विद 3 एग्स ले, जो 3x से स्टार्ट की थी, कितने लेग्स लेट किए उसने, 2, तो आंसर इज 2, क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी एग्स डिड द हैन दैट एंडेड विद 6 लेग्स, यहाँ पे हैन होगा है ना, देन नहीं होगा, डिड द हैन दैट एंडेड विद 6 एग्स ले, दैट एंडेड विद 6x, 6x हाउ मेनी एग्स डिड द हैन दैट एंडेड विद 6x, 6x वाले ने कितने लेट की, 1, सो 1 इज डी इज द आंसर, यहाँ पे हैन होगा, ये देन नहीं, गलत टाइप है, हैन होगा है ना, ठीक है दोस्तों। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हैन दैट लेड 1 एग, जिसने 1 एग लेड किया उसका नाम क्या है, कुक्कड़, तो ये ऑप्शन होगा डी, आइदर कुक्कू और कुक्कड़, तो कुक्कड़ उसका, तो आइदर और मतलब दोनों में से एक है, तो यस कुक्कड़ इज द आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। द हैन दैट एंडेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स स्टार्टेड विद, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स 8 है, कुक स्टार्टेड विद, कुक के लिए बात कर रहा है, स्टार्टेड विद 4, स्टार्टेड विद 4 नंबर ऑफ एक्स, तो ई इज द आंसर, ई इसका आंसर है, 4 इसका आंसर है, 4, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहूंगा कि इसका आंसर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्स विद कुकी एट द स्टार्ट टू द नंबर ऑफ एक्स लेड बाय कोकी, इसका मैं आंसर चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आंसर मार्क कीजिए, मैं इसको आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देख के मैं रिप्लाई करूंगा। एंड आज के लिए पजल था हमारे हमारे साथ हमारे लिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखिए एक बार फिर से, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और पजल्स ऑफ द डे हम लेकर आएंगे, खूब सारे पजल्स ऑफ द डे लेकर आएंगे, और आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी, ठीक है दोस्तों।